अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को लेकर आजम खान ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें, आजम खान का गुस्सा रुक रुक कर अखिलेश और मुलायम के खिलाफ सामने आ जाता है और इन परिस्थितियों के बीच में फिलहाल आजम खान भले ही अखिलेश का साथ पूर्ण रूप से ना दे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने फैसला कर लिया है, अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी भी करेंगे और अखिलेश यादव का साथ भी देंगे। समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के सुरों को मजबूत करते हुए योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर आरोप लगाया है। बुलडोजर की आड़ में द्वेषपूर्ण व असंवैधानिक कार्यवाही करने का आरोप ओपी राजभर ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया है और कहा है, सरकार को यूपी में न्यायालयों पर ताला लगा देना चाहिए। ओपी राजभर कहते हैं, योगी सरकार संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में न्यायालयों में ताला लगा देना चाहिए। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के कारण देश में असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई और खाड़ी देशों में रह रहे तकरीबन 90 लाख भारतीयों के समक्ष देश वापसी की नौबत आ गई। मोदी सरकार को नुपुर शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। भाजपा का इस मसले पर कोई ध्यान नहीं है। ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में आ गए थे, लेकिन अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए योगी आदित्यनाथ पर तानाशाही का आरोप लगाकर ओपी राजभर ने साबित कर दिया है कि उनकी राजनीति अखिलेश के साथ है और अखिलेश के साथ रहेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।